हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी आज हम लोग निकले हैं घूमने के लिए जिंगल। हम लोग जा रहे हैं आज जिंगल, वहां इनकी मौसी रहती है, मम्मी की छोटी बहन वहां रहती है, तो हम लोग वहां जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। और मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूं उनके घर पे, मैं आज से पहले कभी गई नहीं हूं वहां, मतलब मैंने जिंगल देखा भी नहीं है कि कैसा, पर सुना है कि बहुत अच्छा है करके। तो बस हम वहीं जा रहे हैं, और अभी हम थोड़ा सा रास्ते पे रुके थे बाहर पे, तो यहाँ से जो है ना बहुत प्यारा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए नीचे पूरी नदी है, ये पूरी नदी है, और यहाँ पे सामने लोगों के खेत है, इतना प्यारा सा व्यू है। तो बस यहीं पर ही हम लोग अभी थोड़ी देर रुके थे देखने के लिए नजारा, और उसके बाद फिर हम लोग आगे को चलेंगे। अब शायद थोड़ा सा ही है जितना मुझे पता है, ज्यादा नहीं है, तो चलते हैं फिर आगे को। टाउन में पहुंच गया, यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। वैसे यहाँ से रास्ता कहाँ को? सीधा आगे को, यहाँ से सीधे आगे को रास्ता जाता है जिंगल को, और यहाँ पे देखिए सारा रेता ही रेता है, नदी के पास वाला एरिया ना, नदी इसके नीचे को है, अभी यहाँ पे सारा रेता रखा हुआ है। यहाँ से आगे को हम लोगों ने जाना है, और मैं खा रही हूँ बिस्किट क्योंकि मुझे भूख लगने लगी है, सुबह नाश्ता कुछ भी नहीं किया था। तो हम मौसी लोग के घर को जा रहे हैं। ये हल्दी है, अदरक है, चलो दुकान छू हम। आराम आराम से हैं? ये क्या है? ये भट है, ये सारे भट है, ये भट से नहीं हो, ये धान का खेत है। ये देखिए धान ही हो, सारा तो बारिश करके खराब हो गया, अब हो जाएगा कटने वाला। चलो आप चलो, ये भिंडियां देखना है, वो पक गई होंगी ना, बीज के लिए रख दिए होंगे ना। ये पपीते, ये फूल, ये तो देखे थे मैंने, एक इशू को दे दो ये फ्लावर, रहने तो मत तोड़ो। चलो इशू, अमरूद के पेड़ बहुत है यार, यहाँ देखो आगे देखो, क्या आगे भी देखो अमरूद का पेड़। तो ये है हमारी मौसी का घर, ये है इनका घर। चलो आगे को, ये वाला और वो जो बगल में दिख रहा है जाली वाला दरवाजा, वो भी नया पोर्शन बनाया है। हाँ, वो नया वाला हिस्सा बना रखा है, ये वाला जो घर है ना नया बना रखा, बाकी यहाँ से पौड़ी जाके ऊपर भी है कुछ। अरे ईशु जा, ये ईशु के लिए साड़ी ठीक है यार, हल्की हल्की सी दिखा ना। ईशु यहाँ पे साड़ी पहन के तैयार है डांस करने के लिए, ये साड़ी अच्छी लग रही है यार ईशु, हल्की हल्की सी है ना, नेट नहीं चल रहा। जंगल के खेत, लोगों के खेत, और कुछ औरतें ना यहाँ पे काम भी कर रही, तीन चार औरतें कुछ कर रही हैं, ये लोग खेतों में ढूंढ रहे हैं। ये सामने नदी है, नदी वहाँ पे सामने नदी, नदी की जस्ट आगे जो है इन लोग के खेत है यहाँ पे। तो जी अभी ना हम लोग आए थे नदी के पास घूमते घूमते, पर यहाँ घाम बहुत है, लग रहा धूप हो रही है, बहुत तेज धूप लग रही है मुंह पे। और मेरे साथ हैं यहाँ पे बसी और पंकज भैया,
तो और जस्ट सामने है नदी, गेरी नदी, और पीछे को ये पूरे पत्थर हैं, ऊपर को रेता है, उधर को सारा, और यहाँ पर है नदी। ये देखिए अभी बरसात करके ना यहाँ पे पानी थोड़ा गंदा हुआ है, वरना पानी पूरा साफ रहता है। इधर बारिश करके पानी थोड़ा सा खराब हो गया है। ये देखिए आप तो यहाँ पहली बार आए ना मनु? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आई। रिकॉर्डिंग ऑन करके खींचो, फोटो खींचो। किसके लिए, कौन किसने लेनी है? चलानी भी तो आनी चाहिए, वैसे भी पापा ने बेचनी है ये। ले बुगो, अगर बीच में चले जाएगा डूबेगा नहीं है। ले उसको मुंह में मारोगे। तो जी ये हैं भैया लोगों के घोड़े, चार घोड़े, और ये बेचारे अभी काम करके आए हैं तो थके हुए हैं। इनको यहाँ पे घास डाली हुई है तो ये घास खा रहे हैं, और वहीं पर ही साइट पे जो है आग जला रखी है, क्योंकि ना मच्छर लग रहे थे शाम के टाइम पे, इसीलिए तो आग जला दी, उसके धुएं से मच्छर भाग जाएंगे। तो जी अभी हो चुकी है शाम और हम लोग खड़े हैं छत पे मौसी के, मतलब कि देखिए ये नीचे से 3 मंजिले में हम लोग खड़े हुए हैं, और यहीं पर ही है इनका किचन, और अंदर जो है बसी बना रहे हैं चिकन, इन लोगों का बन रहा है चिकन, और मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए आलू उबाल के रखे हैं, हम आलू के गुटके बनाएंगे। ये अंदर किचन में बना रहे हैं चिकन, और मौसी मम्मी और पंकज भैया वो लोग गए हैं खेत में घास काटने के लिए। ये घोड़ा खुल गया रे, ये बसी पंकज भैया को फोन करो, घोड़े खुल गए, खुल गए, दो खुल गए, वो देखो ना फोन करो, देखो वो सामने जो खेत है ना, इधर इधर खेत में गए हुए हैं मौसी मम्मी और पंकज भैया घास के लिए। अब यहाँ से दिख रहे नहीं दिख रहे, पता नहीं, मतलब उधर गए हुए। तो ये चल रहा है, और हम तीनों हैं घर पे, हमारा काम है खाने बनाने का, खाने बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है, तो बस अभी थोड़ी देर में सब आ जाएंगे। तो ये चिकन लेके ये लोग आ गए बाहर आग में, अभी आग में जो है बन रहा है चिकन, क्योंकि अंदर ना एक तो लाइट भी नहीं, वैसे तो इमरजेंसी वाली लाइट जलाई है, पर गर्म भी हो रहा है इसीलिए 2 दिन से यहाँ लाइट नहीं है। तो अभी हम लोग बाहर पे बैठ के बना रहे हैं चिकन, और मैंने आलू छिल के रख दिए अपने लिए, और पंकज भैया वहां पे धो रहे हैं कि चिकन साफ कर रहे हैं, और यहाँ पे बन रहा है तड़का। तो चलिए, और साथ में यहाँ पे रखी हुई है ककड़ी, इशू ककड़ी दिखा दो, हम बनाने वाले हैं रायता, ये रही ककड़ी, इसकी बनेगी अभी रायता।